तेलुगु इंडस्ट्री पे ऐसे कुछ एक्टर हैं जिन्होंने किसी एक डायरेक्टर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कोलैबोरेशन किया है। दोस्तों, ऐसे एक्टर डायरेक्टर की सक्सेस रेशियो के बारे में जानने के लिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, प्रिंस महेश बाबू, डायरेक्टर गुना शेखर। हाँ दोस्तों, जहाँ पर टॉलीवुड का प्रिंस महेश बाबू ने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा टाइम एक ही डायरेक्टर यानी कि गुना शेखर के साथ कोलैबोरेशन किया है, जैसे कि ओक्काडू जो रहा ब्लॉकबस्टर, अर्जुन ये रहा हिट, पर दोनों का थर्ड कोलैबोरेशन साइनी कुडू रहा फ्लॉप। ऐसे करके महेश बाबू और डायरेक्टर गुना शेखर का सक्सेस रेशियो है लगभग 70%। नंबर टू, द मास महाजर रवि तेजा और पूरी जगन्नाथ। जहाँ पर रवि तेजा ने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा टाइम कोलैबोरेशन किया है डायरेक्टर पूरी के साथ, और दोनों का फर्स्ट फिल्म रहा इटलू श्रावणी सुब्रमण्यम जो रहा हिट, इसके बाद आई इडियट जो रहा ब्लॉकबस्टर, और इसके बाद आई अम्मा नन्ना ओ तमिला अम्माई और ये रहा ब्लॉकबस्टर, और इसके बाद देवुदू चेसिना मानुषुलु और ये रहा फ्लॉप। ऐसे करके डायरेक्टर पुरी और मास महाराजा रवि दोनों का कॉम्बो पैक का सक्सेस रेशियो आ जाते हैं 80%। नंबर थ्री, यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और डायरेक्टर राजामौली। हाँ दोस्तों, जहाँ पर एनटीआर ने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा टाइम कोलैबोरेशन किया है डायरेक्टर राजामौली साहब के साथ, दोनों का फर्स्ट फिल्म रहा स्टूडेंट नंग वन, ये रहा ब्लॉकबस्टर, सिम्हाद्री ये भी रहा ब्लॉकबस्टर, थर्ड कोलैबोरेशन यमादोंगा ये रहा ब्लॉकबस्टर, और फोर्थ कोलैबोरेशन रहा ट्रिपल आर ये रहा इंडस्ट्री हिट। ऐसे करके एनटीआर और राजामौली साहब का कॉम्बो पैक सक्सेस रेशियो आ जाता है 100%। नंबर फोर, नाचेस्टर नानी और डायरेक्टर शिवा निर्वाणा। हाँ दोस्तों, नानी ने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेशन किया है, पर शिवा के साथ उनका टोटल 2 फिल्म आई है, जैसे कि निन्नुकुड़ी जो रहा ब्लॉकबस्टर, और इसके बाद टक जगदीश ये रहा फ्लॉप। ऐसे करके इन दोनों का कॉम्बो पैक रेशियो आ जाते हैं 50%। नंबर फाइव, स्टार स्टार अल्लू अर्जुन। पता दोस्तों, जहाँ पर अल्लू का दोनों डायरेक्टर के साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन हुआ है, फर्स्ट कॉम्बो अल्लू और डायरेक्टर त्रिविक्रम दोनों ने दिया है टोटल 4 फिल्म में, जैसे कि जुलाई ये रहा ब्लॉकबस्टर, इसके बाद सॉन ऑफ सत्यमूर्ति ये रहा अबव एवरेज, और इसके बाद आई आला वैकुंठ पुरमुलो ये रहा इंडस्ट्री हिट, और दोनों का फोर्थ कोलैबोरेशन आ रही है AA22, जहाँ पर इसका अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल और फैंस के बीच में एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई है। पता दोस्तों, बिगेस्ट पैन इंडियन प्रोजेक्ट होगा, यानी कि इन दोनों कॉम्बो पैक का और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म इज कमिंग, और दोनों का सक्सेस रेशियो आ जाते हैं 90%। और इसके बाद अल्लू का डायरेक्टर सुकुमार के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कोलैबोरेशन हुआ है, और वो भी 4 टाइम्स, जैसे कि पहले फिल्म आया आर्या जो रहा ब्लॉकबस्टर, सेकेंड फिल्म आया आर्या 2 ये रहा सेमी हिट, थर्ड फिल्म रहा पुष्पा द राइज और जो बॉक्स ऑफिस पर दिया है ब्लॉकबस्टर कलेक्शन, और इसके बाद आ रही है दोनों का अपकमिंग हाइप प्रोजेक्ट पुष्पा द रूल, और जो अनडाउटली इंडस्ट्री हिट फिल्म होगा। यानी कि अल्लू और सुकुमार इन दोनों कॉम्बो पैक का सक्सेस रेशियो आ जाते हैं 100%। नंबर सिक्स, निखिल सिद्धार्थ और चंदो मुंदिती। जहाँ पर निखिल अभी यंग जनरेशन के बीच में मोस्ट शाइनिंग एक्टर है, और उन्होंने डायरेक्टर चंदू के साथ ज़्यादा टाइम कोलैबोरेशन किया है, जैसे कि कार्तिकिया ब्लॉकबस्टर, कार्तिकिया 2 ये भी रहा ब्लॉकबस्टर, और दोनों का कॉम्बो पैक आ रही है अपकमिंग कार्तिकिया 3, अनडाउटली ये भी एक ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट होगा। ऐसे करके निखिल और डायरेक्टर चंदू का सक्सेस रेशियो हो जाते हैं 100%। नंबर सेवन, रेबलिस्ट प्रभास और डायरेक्टर राजामौली साहब। एनटीआर की तरह रेबलिस्ट प्रभास का भी ज़्यादा टाइम कोलैबोरेशन हुआ है डायरेक्टर राजामौली के साथ, जैसे कि दोनों का फर्स्ट फिल्म आई छत्रपति जो रहा ब्लॉकबस्टर, सेकेंड फिल्म आई बाहुबली 1, थर्ड फिल्म बाहुबली 2, और दोनों ही रहा इंडस्ट्री हिट। ऐसे करके प्रभास और राजामौली साहब
बॉक्स ऑफिस पर दिया है 100% सक्सेस रेशियो। नंबर 8 पावर स्टार पवन कल्याण और डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास। हाँ दोस्तों, अल्लू की तरह पवन का भी मोस्ट कोलैबोरेशन हुआ है डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ। जैसे कि दोनों का फर्स्ट फिल्म आई जलसा, पर यह रहा फ्लॉप। सेकेंड फिल्म आई आतरिंती की दरिदी, ये रहा इंडस्ट्री हिट। और थर्ड फिल्म आई आग्नेथा वर्सी, ये रहा डिजास्टर। ऐसे करके पवन और त्रिविक्रम का सक्सेस रेशियो आ जाते हैं 30%। नंबर 9 मेगा पावर स्टार रामचरण और डायरेक्टर राजामौली साहब। यानी कि टॉलीवुड का ए लिस्टर हीरो के साथ राजामौली साहब का हुआ है सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन। और राम ने हार्ड टाइम न्यू डायरेक्टर के साथ अभी तक की फिल्म किया है, पर रिपीट हुआ है राजामौली साहब के साथ, जैसे कि मगाधीरा जो रहा इंडस्ट्री हिट, और इसके बाद आई और एक इंडस्ट्री हिट फिल्म ट्रिपल आर। रामचरण और राजामौली साहब दोनों का सक्सेस रेशियो आ जाते हैं 100%। नंबर 10 साई धर्म तेज डायरेक्टर मारुति। हाँ दोस्तों, जहाँ पर इसे यंग एक्टर का मोस्ट कोलैबोरेशन हुआ है डायरेक्टर मारुति के साथ। महानुभावुदू जो रहा ब्लॉकबस्टर, इसके बाद आई प्राति रोजू पंदा के, ये भी रहा ब्लॉकबस्टर, और दोनों का सक्सेस रेशियो आ जाते हैं 100%। तो ये रहा टॉलीवुड का ऐसे एक्टर डायरेक्टर के बारे में जिन्होंने किया है मोस्ट ऑफ द टाइम कोलैबोरेशन। तो इस लिस्ट पर कौन सी कॉम्बो पैक एक्टर डायरेक्टर आपका पसंद वाला है कमेंट पे बताइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। और सके बॉलीवुड और साउथ इंडियाज़ मूवीज़ अपडेट पाने के लिए मालिशा ज़ेरीन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।